कोणार्क अपना शहर अपनी बात। कब है अष्टमी, नौमी और दशहरा, क्या आप भी इस विषय में कंफ्यूज हैं? तो चलिए जानते हैं पंडित महेश शर्मा जी से। कब है दुर्गा अष्टमी, महानवमी और दशहरा? इस बार दुर्गा अष्टमी, महानवमी और दशहरा की तिथियों को लेकर लोगों में दुविधा की स्थिति है। आपको बता दें कि हिंदी पंचांग के आधार पर तिथियां अंग्रेजी कैलेंडर की तारीखों की तरह 24 घंटे की नहीं होती। ये तिथियां 24 घंटे से कम और ज़्यादा हो सकती है। कई बार ये तिथियां एक ही तारीख को पड़ जाती हैं, जिससे दो व्रत या त्यौहार एक ही दिन पड़ जाते हैं। नवरात्रि की महाअष्टमी, महानवमी और दसवीं तिथि को लेकर आम लोग परेशान हैं। हम आपको बता दें कि इन तिथियों की सही तारीख और समय इस तरह रहेगा। इस वर्ष अष्टमी तिथि का प्रारंभ 23 अक्टूबर सुबह 6:57 पर हो रहा है, जो अगले दिन 24 अक्टूबर को सुबह 6:58 तक रहेगा। ऐसे में इस वर्ष महाअष्टमी का व्रत 23 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन महागौरी की पूजा की जाती है। इस वर्ष महानवमी तिथि का प्रारंभ 24 अक्टूबर को सुबह 6:58 से 25 अक्टूबर को सुबह 7:41 तक रहेगा। ऐसे में आपको महानवमी का व्रत 24 अक्टूबर को रखना है। महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रा में कन्या पूजन या कुमारी पूजा 24 अक्टूबर को करना चाहिए। हालांकि महाअष्टमी और महानवमी दोनों ही तिथियों को कन्या पूजन किया जाता है। शारदीय नवरात्रा की दसवीं तिथि का प्रारंभ 25 अक्टूबर को सुबह 7:41 से हो रहा है, जो कि 26 अक्टूबर की सुबह 8 तक रहेगा। ऐसे में विजयादशमी, दशहरा 25 अक्टूबर के दिन रविवार को मनाया जाएगा। माँ दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन सोमवार को 26 अक्टूबर को किया जाना चाहिए। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।